फ्रेंड्स एक बार इनका स्वागत है 11th का फिजिक्स जो कि एग्जामिनेशन में कंपटीशन एग्जामिनेशन में और सारे चीज़ों में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों समाकलन विधि से गति के समीकरण की उत्पत्ति करना सीखेंगे। तीन समीकरण होता है, तीनों समीकरण को आपको समाकलन विधि से एकदम सरलता पूर्वक अब तक का सबसे सरल तरीका विधि इसमें बताया जा रहा है जिसको आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है b = u + at, इसका उत्पत्ति हम समाकलन विधि से करने जा रहे हैं। सामान्य विधि जो है ग्राफी विधि होता है उससे भी करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला से स्टार्ट करते हैं उसके बाद दूसरा। तो देखिए मान लेते हैं कोई भी वस्तु, मैं ड्राइंग से समझाना चाहूंगा इसको। यहाँ पर है ना ए बी, दो बिंदु है, दो जगह दो स्थान है। इसका जो एक समान त्वरण से गतिशील है कोई भी वस्तु जो है, अब हम कार ले लेते हैं है ना, गाड़ी कोई भी ले लेते हैं, तो एक समान त्वरण ऐसे गतिशील है तो इसके का परिभाषा क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन को हम dv से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, dv से। dv किसको दर्शाता है, वेग। वेग यानी v हो गया, तो यहाँ पर हम dv क्यों लिखे, उसका कारण जब सूक्ष्म वेग में परिवर्तन होता है कोई भी वस्तु में एकदम छोटी दूरी तय करता है, हम इसको छोटी दूरी के लिए सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सूक्ष्म जो परिवर्तन होता है उसमें डी लगा देते हैं समाकलन के लिए, और इसका जो सूक्ष्म समय है वो dt होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम थ्योरी किस प्रकार से लिखेंगे। माना कोई वस्तु एक समान, क्या लिख देंगे, एक समान त्वरण a से सरल रेखा में गति कर रहा है। कौन से रेखा में, सरल रेखा में गति कर रहा है। देखिए कोई वस्तु जो है समान त्वरण a से है ना एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तथा t क्षण पर, t समय पर वेग b है, तब त्वरण के परिभाषा से, त्वरण के परिभाषा से, त्वरण का परिभाषा क्या होता है देखते हैं। a = dv/dt, dv जो है वेग में परिवर्तन को दिखा रहा है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ पर ये समय है। अभी मैंने बताया कि वेग में परिवर्तन क्या हुआ है, dv। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा d, इसको अपक्षांतर करने पर ये हो जाएगा a (dt)/dv। ये हो गया समीकरण, एक्तिरिया गुणा करेंगे तो ये सामने में गुणा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u रहा होगा, है ना, u रहा होगा यानी स्टार्टिंग वेग। आप जानते हैं आप लोग पढ़ रहे हैं तो u, और यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो इसी को लिख देंगे किसी वस्तु का t = 0 पर वेग u है, तथा t = t पर वेग v है। ठीक, ऐसा लिख देंगे। देखिए वस्तु का वेग जो है t समय पर, t0 समय पर उसका जो प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तथा t पर वेग v हो जाता है ना। तो समाकलन, समीकरण एक का समाकलन करेंगे, समीकरण एक का समाकलन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये समाकलन इतने में जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग एक काम कीजिए, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा a (dt) समाकलन करेंगे हम। टी यहाँ पर क्या है, इसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, टी क्या ले लेंगे, 0 से 1 तक। ठीक है, 0 से 1 तक लेंगे, है ना। आप यहाँ पर देखिए 0 से t तक। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा dv, इसका समाकलन करेंगे है ना, माइनस u से v तक। जैसे कि मैंने पहले बताया कि dv किसको बता रहा है, वेग को, तो वेग जो है प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है, और अंतिम वेग कितना। तो यहाँ पर समाकलन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए इसका इस बाएं पक्ष का समाकलन करेंगे
तो समय टी के सापेक्ष समाकलन होगा, टी के सापेक्ष समाकलन होगा तो यहाँ पर जीरो से टी तक इसका सीमा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर टी है, ठीक। अब यहाँ पर डीवी का समाकलन करेंगे, डीवी किसको दिखा रहा है, वेग को, तो वेग का प्रारंभिक वेग कितना है, यू है, और अंतिम वेग कितना है, वी है, तो ये दोनों के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसका जो लिमिटेशन है वी और यू हो जाएगा, ठीक। अब इसका ए का समाकलन, ए निश्चित है एक समान त्वरण, परिभाषा में बोला गया एक समान त्वरण, एक समान यानी क्या होगा, एक समान यानी बराबर होगा, और कॉन्स्टेंट राशियों का समाकलन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बाहर निकाल देंगे, ए ये निकल गया, अब यहाँ पर बच गया डी टी जीरो से टी तक, इसी प्रकार बचा है डी बी यू से बी तक, इसका समाकलन करेंगे, तो इसका मैंने अभी थोड़े यहाँ पर जब हम किसी का भी समाकलन करते हैं जैसे डी एस का, तो इसका आंसर कितना आता है, एक आता है, तो डी टी का समाकलन करेंगे कितना आएगा, टी आएगा, ठीक है। मेरा समाकलन वाला एक वीडियो है, उसको आप लोग जरूर देखना, उसका लिंक इसमें दिया गया है, तो इसका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्ठक में जीरो से टी तक और यहाँ पर ए लिख देंगे, अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो बी हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा यू से बी तक, ठीक। तो यहाँ पर टी का वैल्यू टी रखेंगे, टी का वैल्यू कितना रखें, इसको एक बार और थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, ए और यहाँ पर डी टी लिखा है, इसका समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन करने पर जो चर राशि लिखा हुआ है वही इसका आंसर होता है, टी। जैसे मैंने डी एक्स का समाकलन किया तो इसका जो आंसर है वो एक से ही आएगा, डी बी का समाकलन करूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी ही आएगा। आप लोग समाकलन वाले जो है उसको जरूर देखिएगा, तब ये समझ में आएगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर टी का वैल्यू, टी आप मान कैसे रखते हो उसको समझ लो, ये जो टी की वैल्यू है यहाँ पर टी के स्थान पर रखेंगे तो टी आएगा, आप उसके बाद यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो क्या रख देंगे, जीरो, ठीक, ये हो गया ए। अब इसी प्रकार यहाँ पर बी का वैल्यू बी है तो बी रखेंगे, और बी का वैल्यू यू है तो माइनस यू रख देंगे। आप लोग समाकलन वाले वीडियो को जरूर देखना, तो ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको हल करने पर यहाँ पर आंसर एट ही आ गया, जीरो का तो जीरो ही हो गया, यहाँ पर बच गया है बी माइनस यू, यू को पक्षांतर करेंगे तो यू प्लस एटी बराबर बी, ठीक है। तो यही गति का पहला समीकरण है, बी बराबर यू प्लस एटी, ठीक। ये नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर लिमिटेशन जो दिया होता है उसको कैसे हल करते हैं, लिमिटेशन जो है ये टी दिया है तो टी के जगह पर टी रखेंगे, यानी टी का वैल्यू पहले टी है और टी का वैल्यू जीरो है तो टी के जगह पर टी रखेंगे, ये टी हुआ। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं और माइनस चिन्ह लगाने के बाद ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रखा गया है, है ना। तो ये है गति का पहला समीकरण, ठीक। इसके जस्ट बाद आपको गति का द्वितीय और तृतीय समीकरण का वीडियो जारी किया जाएगा दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट करना है।